हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग पासिंग एरे टू अ फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया है, मार्क्स नाम का एरे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। मैंने एरे में एलिमेंट्स स्टोर किया है 10, 20, 30 और 40। ये 0 में स्टोर हुआ होगा, ये 1 में, ये 2 में और ये 3 में। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं पहले से। मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन टोटल, और मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन की बाद में बात करते हैं। मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ टोटल, यानी क्या फंक्शन, और मैं यहाँ इस एरे को पास कर रहा हूँ। एरे को पास करने का कोई भी अलग से तरीका नहीं, सिंपली जैसे आप वेरिएबल पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, उसी तरीके से यहाँ आपने लिख दिया और आपका पास हो गया। ठीक है, बस होता ये है कि इंटरनली यहाँ से एक एरे जा रहा है तो ये भी एक एरे बन जाता है। ठीक है, और एक एक एलिमेंट यानी कि सब्जेक्ट 0 में 10 स्टोर हो जाएगा, सब्जेक्ट 1 में 20, सब्जेक्ट 2 में 30, सब्जेक्ट 3 में 40, इस तरीके से डिस्प्ले होता है। अगर इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा दें और यहाँ से सिर्फ आप अगर डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखें, एको सब्जेक्ट 0, और इसको सेव करके अगर आप डिस्प्ले करें तो आपको यहाँ स्क्रीन में जो पहला एलिमेंट है 10 वो दिखाई देगा। अगर आप इसमें 1 करें तो इसको सेव करें और इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ 20 दिखाई देगा। यानी कि सब्जेक्ट 0, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। ओके, सो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर इस एरे को पास करने के बाद। अब जो मैंने लिखा हुआ था उस पर डिस्कशन करते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक और वेरिएबल बनाया है सम नाम का, जिसका मैंने वैल्यूएशन किया है 0। अब इसके सभी एक एक एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं फोर ईच का इस्तेमाल करूँगा। आप फोर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फोर ईच ईजी है, तो मैंने फोर ईच का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट 0, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 में सारे स्टोर हैं, तो फिर फोर ईच क्या करेगा, सब्जेक्ट के पहले एलिमेंट को इसमें असाइन करेगा। और सम यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0 प्लस पहला जो वैल्यू होगा 10 वो असाइन हो जाएगा इसमें, यानी कि 0 प्लस 10 इक्वल जो भी आएगा 10 वो सम में असाइन होगा। फिर से ये फोर ईच चलेगा, सम 1 में जो भी होगा 20 है तो 20 नम में असाइन होगा। सम का वैल्यू अब ये वाला नहीं चलेगा, सिर्फ यहीं से चल रहा है। ठीक है, तो सम का वैल्यू 10 और 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, तो सम का वैल्यू हो जाएगा 30। फिर से ये लूप चलेगा और सब्जेक्ट इसमें जो भी होगा, मतलब ये है तो इसमें असाइन होगा 30 प्लस 30, 30 सम का वैल्यू 30 था अभी तक, 30 प्लस 30 हो जाएगा आपका 60। इसी तरीके से एक और बार चलेगा और 60 और ये 40 यानी यहाँ प्लस होकर हो जाएगा 100। और फिर से जब ये लूप चलेगा, देखिएगा इसमें इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये फोर लूप आपका बंद हो जाएगा और रिटर्न कर देगा सम को जो भी है, और ये रिटर्न होकर यहाँ आएगा और एक को होकर आपको दिखाई देगा 100। तो ये पूरा इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसको मैंने सेव कर लिया और इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको यहाँ 100 दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है, यानी कि एरे को पास करने में बिल्कुल भी यहाँ परेशानी नहीं होने वाली है PHP में, बिकॉज़ यहाँ एरे को पास करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। जैसे आप वेरिएबल को पास करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, और बाकी जिस तरीके से हम लोगों ने एरे को एक्सेस करना सीखा है जनरली, उसी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब इसमें आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो यहाँ रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम लोग और बनाते हैं, मान लीजिए कि 20 तक बनाते हैं, या अच्छा 20 तक रहने देते हैं। ठीक है, इक्वल ये मेरा क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। मैं यहाँ एक डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ, और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है, कहाँ गया यार, एक और होना चाहिए ना। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से कोई पास नहीं करेंगे, यहाँ से चलिए कि हम लोगों ने कोई एरे पास नहीं किया, तो ये एरे टाइप का है, जो कि आपने यहाँ एक एरे डिफाइन कर दिया पहले से, तो ये एरे टाइप का है। तो ये यहाँ से आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, तो ये इस एरे यानी कि डिफ़ॉल्ट जो इसको असाइन किया गया उसके थ्रू आपको फंक्शन एग्जीक्यूट होकर, सेम तरीके से एग्जीक्यूट होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर में बताया, एग्जीक्यूट होकर आपको यहाँ आउटपुट देगा, जो कि आउटपुट होगा 50 इन दिस केस। लेकिन अगर आप इसको पास कर देते हैं, जैसे कि मैं पास कर दूँ मार्क्स है ना हमारा, मार्क्स है, और इसको सेव करें, तो अब ये इसको यूज़ नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि जो आप इसको देते हैं उसको यूज़ करेगा और यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा
100। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी आप यहाँ लिख सकते हैं जब आप एरे यूज़ करते हैं तब, यानी कि एरे जब पास करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में नहीं बताया था उस वक्त, मे बी मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा कोड दिखाकर छोड़ दिया होगा जब नल और एरे की बात कर रहे थे हम लोग तब। नल का तो मैंने पूरा कोड आपको दिखा दिया था, उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बट एरे का मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैंने सोचा कि एरे का हम लोग यहाँ देख लेते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं पासिंग एरे टू अ फंक्शन। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। नाइस वॉचिंग।